क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर्स, 3x माइनस 5 बाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ये इक्वेशंस दे रखा है दो, विलोपन विधि से आपको हल करना है। पहले इस इक्वेशंस को आप क्रम में लिखें, ax प्लस bx प्लस ax प्लस by इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो क्या होगा, 3x माइनस 5 बाई इक्वल टू, ये माइनस है उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जब इसको करेंगे हम तो 9x माइनस ये वैल्यू इस पर लाइए तो 2y ax प्लस by इक्वल टू 0 या इक्वल टू c, तो ax प्लस by इक्वल टू c, c के जगह पे क्या है 7। इक्वेशन नंबर सेकेंड, अब क्या करना है आपको, 9 दे रखा है और 3 दे रहा है, अब चाहे तो इसका इंटू 9 का इंटू ऊपर वाले के साथ, 3 का इंटू नीचे वाले के साथ नंबर का इंटू करें, या फिर इस नंबर के साथ 3 का इंटू करें और इसके साथ 1 का इंटू करें, इसके साथ 3 का इंटू और इसके साथ 1 का। समीकरण एक में 3 का, दो में एक का गुणा करके घटाने पर, समीकरण एक में 3 का और समीकरण दो में एक का गुणा करके घटाने पर, तो 3 का इंटू करेंगे तो 9x माइनस इसका इंटू करेंगे 15y इक्वल टू 3 4 जा 12, 1 का इंटू करेंगे सेम नंबर्स, चिन्ह परिवर्तन, अब इसके डायरेक्शन क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 9x कट गया, माइनस प्लस माइनस 15y और 2y माइनस करेंगे, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस के फॉर्म में आंसर आएगा 15y, और इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आएगा 13 माइनस के फॉर्म में इक्वल टू, प्लस और माइनस माइनस 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 13। y की वैल्यू कितनी आ गई आपको 5 डिवाइड बाई 13 माइनस के फॉर्म में। अब इस y की वैल्यू को समीकरण इक्वेशन नंबर सेकेंड या फर्स्ट में किसी में पुट कर सकते हैं आप, तो इक्वेशन नंबर किस में पुट कर दें, फर्स्ट सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर 9x माइनस 2 इंटू 15 माइनस 13 इक्वल टू 7, 5 डिवाइड बाई 13 इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे, 9x माइनस 2 का इंटू करेंगे 5 के साथ तो 10 डिवाइड बाई माइनस और माइनस प्लस 13 इक्वल टू 7, तो 9x इक्वल टू 7, ये वैल्यू उस पर जाएगा तो 10 डिवाइड बाई 13, 9x इक्वल टू डिवाइड में 1 करेंगे, इसका इसके साथ इंटू करेंगे और इसका इसके साथ इंटू करेंगे, आप 13 सेवंजा, 13 पचे 65, 63 78, 73 91, 91 माइनस 1 का 10 में इंटू 10 डिवाइड बाई 13, 9x इक्वल टू इसको माइनस करेंगे 81 डिवाइड बाई 13, डिवाइड में 1 करके इस नंबर को कट किया जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, तो x इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 13। y की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 13 आई थी माइनस के फॉर्म में और ये प्लस के फॉर्म आया है 9 डिवाइड बाई 13, अतः x एवं y के मान
एक्स के मान कितने आ गए, -9 डिवाइड बाई 13, और वाई के मान -5 डिवाइड बाई 13। ये क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, उसके बगल में बेल आइकन का बटन रहता है उसको जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।